हेलो एवरीवन, जल्दी से हेलो लिख के भेजिए। इशिका का हेलो आ गया है, मनीषा का हेलो आ गया है, बाकी बच्चे कहाँ गए हैं? जल्दी से हेलो लिख के भेजिए। ऋषभ जैन का हेलो आ गया है, शेफाली का भी गुड इवनिंग आ गया है। ऋषभ, आपने शुरुआत की क्लासेस देख ली या नहीं देखी? अभी नहीं देखी है? और लोकी भी नहीं देखी या टेक की नहीं देखी? बस लोकी तो एक ही क्लास हुई थी। ओके ऋषभ, अभी नहीं देख पाए, कोई बात नहीं ऋषभ। कोशिश मैं करता हूँ कि थोड़ा सा रिवाइज कराऊँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ जाए। टैक्स में थोड़ा सा, क्योंकि 3-4 क्लासेज हो गई हैं ऋषभ, तो मैं चाहूँगा कि मैं तो जो रिवाइज करा रहा हूँ करा ही रहा हूँ, बाकी आज रात में क्लास के बाद ना आप बाकी क्लासेज निपटा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग नवंबर 2021 के लिए इनकम टैक्स स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया है, एक बार रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि एक दो बच्चे आज नए जुड़े हैं तो उन्हें ज़रूरी है, उन्होंने पुरानी क्लासेस भी नहीं देखी हैं। तो हमारा जो इनकम टैक्स है नवंबर 2021 के लिए, उसमें फाइनेंस एक्ट 2020 काम करेगा। कौन सा काम करेगा हमारा? फाइनेंस एक्ट 2020, फाइनेंस एक्ट 2020। अभी फाइनेंस एक्ट 2021 भी पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो वो काम नहीं करेगा, ये सब लोग समझ लें, सब बच्चे समझ लें। फाइनेंस एक्ट 2020 काम करेगा, और हमारा जो प्रीवियस ईयर है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जो है वो है हमारा 2020-21। इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2021 तक ये जो है प्रीवियस ईयर हमारा काम करेगा। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम कमाते हैं। इसमें क्या होता है? इनकम अर्न करते हैं हम लोग, इनकम अर्न करते हैं। तो हमारा जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है वो है 2020-2021। रेलेवेंट इस वजह से कि जो भी हमारा अटेम्प्ट है नवंबर 2021 में, तो उस नवंबर 2021 में हमसे प्रीवियस ईयर 2020-21 के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो लॉ एप्लीकेबल होगा प्रीवियस ईयर 2020-21 में, वो ही हमारे काम का रहने वाला है। और असेसमेंट ईयर जो है, असेसमेंट ईयर जो है हमारा, वो एक फाइनेंशियल ईयर आगे होता है, यानी कि 2021-2022। असेसमेंट ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2021 से जो आने वाली है 31 मार्च 2022 तक रहेगा। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है इन विच टैक्स इज लेवीड, यानी कि प्रीवियस ईयर तो वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम लोग टैक्स को भरते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जो भी हमसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, और एज वेल एज हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। तो बात एक ही है, उसे कहने का दो तरीके हैं। अगर प्रीवियस ईयर के रेफरेंस में बोलेंगे हम तो 2021 बोलना पड़ेगा, और असेसमेंट ईयर के रेफरेंस में अगर बोलेंगे तो 2021-22 हमें बोलना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, सभी बच्चों को। अब जो हमने पिछली क्लास में टैक्स रेट पढ़े थे वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ बहुत फास्ट ट्रैक पर, कि इंडिविजुअल के हमने टैक्स रेट डिस्कस करे थे, टैक्स रेट हमने डिस्कस करे थे, टैक्स रेट्स डिस्कस करे थे फॉर
इंडिविजुअल इंडिविजुअल एसएससी के डिस्कस कर रहे थे हमने, टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल एसएससी के डिस्कस कर रहे थे। इंडिविजुअल को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है टैक्स रेट पर्पज के लिए, इंडिविजुअल को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है टैक्स रेट पर्पज के लिए। या तो होगा वेरी सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सीनियर सिटीजन, या तो होगा वेरी सीनियर सिटीजन, या होगा सीनियर सिटीजन, या होगा सीनियर सिटीजन, या होगा अदर। यानी कि ना तो आप वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, ना ही सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, तो आप अदर की कैटेगरी में आ जाएंगे। वेरी सीनियर सिटीजन जो है वो है मोर देन 80 ईयर्स, मोर देन 80 ईयर्स और शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। सर ये रेजिडेंट कौन होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन का पार्ट है कि कौन इंडिविजुअल रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है। लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसकी आयु 80 साल या उससे ऊपर है, रेजिडेंट है प्लस उसकी आयु 80 साल या उससे ऊपर है, तो वो बनेगा वेरी सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन बनेगा, जो 60 ईयर्स और अबव है, 60 ईयर्स और अबव है, प्लस क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, प्लस रेजिडेंट होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएगा। और अदर्स की कैटेगरी में क्या आएंगे, बिलो 60 ईयर्स के इंडिविजुअल इसमें आएंगे, प्लस नॉन रेजिडेंट 60 ईयर्स और अब भी आ जाएंगे। यानी कि जो लोग 60 साल से कम की आयु के हैं वो तो चाहे रेजिडेंट हों चाहे नॉन रेजिडेंट हों, यानी कि आर हैं या एन आर हैं, जैसे मैंने लिखा है, बिलो 60 ईयर सारे के सारे अदर की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जो लोग 60 साल या उससे ऊपर की आयु के हैं तो वो सिर्फ वो व्यक्ति आएंगे जो कि नॉन रेजिडेंट होंगे। इसमें अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर नॉन रेजिडेंट कौन होता है, रेजिडेंट कौन होता है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। ये अगले चैप्टर में बताई जाएगी बात आपको कि कब कोई व्यक्ति रेजिडेंट बनता है, कब कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट बनता है। जो व्यक्ति 60 साल या उससे ऊपर का है लेकिन 80 साल तक का है, क्योंकि 80 साल से ऊपर का व्यक्ति वेरी सीनियर सिटीजन हो जाएगा अगर वो रेजिडेंट है, और 60 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर रेजिडेंट है प्लस 80 साल तक का है, तो वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब मैं फटाफट आपको इसके जो टैक्स रेट्स हैं वो पढ़ाता हूँ मैं आपको नोट्स से। वैसे तो मैंने सारे नोट्स लिखवा दिए हैं, केवल मुझे पढ़ाना इसलिए पढ़ रहा है कि कुछ बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है तो उन्हें थोड़ा सा मालूम चल जाए कि दो तरह के रेट होते हैं, एक तो स्लैब रेट होता है और एक होता है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट मैंने अभी डिस्कस नहीं करा है। फ्लैट रेट का मतलब ये होता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, जो टैक्स रेट है वो एक समान रहता है आपकी इनकम कोई भी क्यों ना हो। स्लैब रेट का मतलब ये होता है जैसे जैसे इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज होंगे। शुरुआत की कुछ इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे इनकम ग्रो होती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो वैसे ही टैक्स रेट भी बढ़ते हैं। तो वेरी सीनियर सिटीजन के जो टैक्स रेट हैं ये हैं 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स रेट नहीं है, अप टू 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स रेट नहीं है, नोट में लिखा हुआ है। ये वैसे मैंने लिखवा दिया है क्योंकि पूरी नोट मैं बनवा रहा हूँ। 5 लाख एक से लेकर 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% टैक्स रेट है, अब मोर देन 10 लाख के ऊपर 30% का जो है टैक्स रेट एप्लीकेबल है। अगर हम रेजिडेंट सीनियर सिटीजन की बात करें, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन कौन होता है, जिसकी आयु 60 साल या उससे ज़्यादा है लेकिन लेस देन 80 ईयर्स है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस है, तो 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स रेट नहीं है। 3 लाख एक से लेकर 5 लाख तक 5% है, 5 लाख एक से लेकर 10 लाख तक 20% है, अब मोर देन 10 लाख पर 30% का टैक्स रेट है। जो अदर इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएंगे तो 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स रेट नहीं है, 2,50,000 वन से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स रेट है, और 5 लाख वन से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स रेट है, अब मोर देन 10 लाख पर 30% का टैक्स रेट है।
अदर इंडिविजुअल में कौन कौन है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, मेल और फीमेल, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बिलो द 60 ईयर, अ नॉन रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन, यानी 60 साल से ऊपर के व्यक्ति अगर आप हैं तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट जितने भी होंगे वो अदर्स की कैटेगरी में आएंगे। ये मैंने कल पूरे लेक्चर में यही डिस्कस किया था आपके सामने, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, एक दो क्वेश्चन दोबारा कर लेते हैं, नए क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। तो इसके अलावा एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा उसमें एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी एप्लीकेबल होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी एप्लीकेबल होगा, और वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो कितना है, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। ये चीज भी कहां लिखी हुई है ये देख लीजिए, मैंने लिखवा दिया है वैसे तो आपको, लिखवा चुका हूं मैं आपको, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ द टोटल टैक्स पेबल। तो ऋषभ मैं स्पेशली तुमसे पूछ रहा हूं कि यहां तक कुछ भेजे में गया या नहीं गया, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है और शुरुआत की जो 4 क्लासेज हैं भी आपने नहीं देखी हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा लिंक आपका एस्टेब्लिश कर पाऊँ मैं शुरू की 4 क्लासेज का। तो ऋषभ जल्दी से जवाब लिख के भेजिए कि कुछ कुछ आया है या नहीं आया है। तो जवाब आ गया है, यस सर थोड़ा बहुत आया है। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करके देखता हूँ कि टैक्स रेट से संबंधित थी, क्योंकि हमें टैक्स रेट को ही आगे बढ़ाना है आज। अभी एक एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, टोटल इनकम जो है वो 27,50,000 है, टोटल इनकम 20,50,000 है, नेम जो है एसएससी का, नेम ऑफ एसएससी जो है वो है सोफिया, और एज ऑफ एसएससी जो है वो है 67 ईयर्स, ठीक है, एज ऑफ एसएससी जो है 67 ईयर्स है। कंप्यूट टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 इन द फॉलोइंग केसेस। आपको टैक्स पेबल बताना है इन केसेस में, इफ सी इज रेजिडेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2020-21, और बी केस इफ सी इज नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021-22। अगर सोफिया रेजिडेंट है 2021 में तो क्या होगा, और अगर सोफिया नॉन रेजिडेंट है 2021-22 में तो क्या होगा। तो ये जो मैंने 2021 लिखा हुआ है ये प्रीवियस ईयर है, तो यहाँ पर भी 2021 ही आएगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर हमारा 21-22 है लेकिन प्रीवियस ईयर तो हमारा 2021 है। तो सभी बच्चों ने अपने रजिस्टर में क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, तो मैं आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। सेम क्वेश्चन में दो तरीके से आपको निकालना है,
कि अगर सोफिया रेजिडेंट है तो क्या होगा, तो और अगर सोफिया नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा। तो बच्चों का जवाब आ रहा है, प्लीज वेट। ठीक है, अभी वेट करता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे आपसी से करानी पड़ेगी। ऋषभ, आप भी कॉपी पेन लेके बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? तो आप भी कॉपी कर लीजिए इसे, और उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइएगा, सब लोगों ने कॉपी कर लिया है नहीं कर लिया है? इसी का जवाब आ गया है कि कॉपी कर लिया है उसने। तो मनीषा का भी आ गया है, डन सर। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 27,50,000 इनकम है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन केस ए, इफ सोफिया इज रेजिडेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021, अगर सोफिया रेजिडेंट है तो क्या होगा। अगर सोफिया रेजिडेंट है तो क्या होगा। देखिए, अगर रेजिडेंट है, एज 67 ईयर, तो जल्दी से जवाब भेजिए। जैसा पहले आप बताइए कि जैसे इंडिविजुअल की तीन कैटेगरी होती हैं, वेरी सीनियर सिटीजन और अदर, तो कौन सी कैटेगरी में सोफिया आएगी, कौन सी कैटेगरी के अंदर सोफिया आएगी। सेकंड, यानी कि सीनियर सिटीजन के अंदर आएगी। तो सीनियर सिटीजन के लिए जो रूल है वो क्या है। सीनियर सिटीजन के लिए रूल है, अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं है। 3 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और अबव 10 लाख पर 30% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट 3 लाख टोटल इनकम है 27,50,000, तो फर्स्ट 3 लाख पर कोई टैक्स रेट नहीं देना है। 3,01,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक, यानी कि जो गैप है इस इनकम का, तो नेक्स्ट 2 लाख रुपए पर, ये 2 लाख समझ में आते हैं आपको, 3,01,000 से लेकर 5 लाख तक, तो एट द रेट ऑफ 5% टैक्स रेट देना है। तो 5% से जो टैक्स बैठेगा 2 लाख रुपए के ऊपर, वो बैठेगा, इट कम्स टू 10,000। अब नेक्स्ट 5 लाख, ये नेक्स्ट 5 लाख समझते हैं कैसे आए, नेक्स्ट 5 लाख समझते हैं सब लोग। 5,01,000 से लेकर 10 लाख का जो ब्रैकेट है, जो गैप है, तो जो गैप है वो 5 लाख का आएगा, एट द रेट ऑफ 20% टैक्स रेट है। तो जब इस पे निकालेंगे तो ये आ गया है हमारा 1 लाख रुपए। अब है बैलेंस इनकम। बैलेंस इनकम कैसा आई, टोटल इनकम थी 27,50,000। ये 27,50,000 में से 10 लाख रुपए पर तो हम अलग अलग कैटेगरी में टैक्स निकाल चुके हैं। 3 लाख पर ये नील है, अगले 2 लाख पर ये, अगले 5 लाख पर ये, तो 10 लाख रुपए पर तो हम टैक्स निकाल चुके हैं। तो 27,50,000 में 10 लाख माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी वो आएगी 17,50,000। इसके ऊपर जो टैक्स निकलेगा वो निकलेगा 30%, इसके ऊपर जो टैक्स निकलेगा वो निकलेगा 30%। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना टैक्स निकल के आ रहा है। जवाब आया
5,25,000, इसके जिम्मेदार अगर गलत होगा तो आप ही लोग होंगे, तो प्लीज़ सही निकाल के बैठिएगा। 5,25,000, 30% टैक्स निकल के आया, तो ये टोटल अगर हम करेंगे तो 6,35,000 आ गया है, 6,35,000 आ गया है। इसमें जैसा कि मैंने बताया 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड होगा टैक्स निकलने के बाद। जल्दी से कैलकुलेट करिए कि कितना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होता है, 4%, 6,35,000 का 4%, तो इट अमाउंट टू 25,400 मनीषा ने जवाब दिया है 25,400। तो टोटल टैक्स पेबल कितना आया है, टोटल टैक्स पेबल कितना आया है, ये आ गया है 6,60,400। शेफाली का भी जवाब आ गया है 6,60,400। ऋषभ बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। आ गया समझ में। अब हमें केस बी करना है, इफ सोफिया इज नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, इफ सोफिया इज नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। जल्दी से सभी लोग खुद बे खुद करेंगे, बताएंगे मुझे कि क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले ऋषभ बताएगा कि क्या आंसर आ रहा है, इफ सोफिया इज नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जल्दी से बताइएगा कि क्या आंसर निकल के आ रहा है। केस बी आप करेंगे, क्या आंसर निकल के आ रहा है। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। मनीषा का भी जवाब आ गया है 6,63,000। शेफाली का आ गया 6,63,000। ऋषभ कह रहे हैं अगर नॉन रेजिडेंट है तो टैक्स नहीं लगेगा शायद, तो ऐसा नहीं है ऋषभ, अदर कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अदर कैटेगरी में आ जाएगा। मैं नोट्स भी आपके सामने दिखलाता हूं अभी, क्योंकि अभी आप के पास नोट्स भी नहीं है, जो मैंने कल लिखवाया था वो चीज़ भी नहीं है आपके पास। तो केवल फर्क इतना पड़ता है अगर रेजिडेंट में 60 साल से ऊपर का व्यक्ति तो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाता है, अदरवाइज नौ अदर की कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इतना फर्क आएगा, 2,50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। अगर ये रेजिडेंट होता तो 3,00,000 रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था, और ये अगर रेजिडेंट नहीं है तो फर्क इतना आएगा कि 2,50,000 रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, बाकी के जो स्लैब हैं वो उतने ही हैं, यानी 2,50,000 वन से लेकर 5,00,000 तक 5%, 5,00,000 वन से लेकर 10,00,000 तक 20%, अब मोर देन 10,00,000 पर 30% है नॉन रेजिडेंट होने की वजह से। ऑल्दो इसकी जो एज है 67 ईयर्स है, 60 साल से ऊपर है, लेकिन वो रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट होने की वजह से इसकी जो कैटेगरी है वो अदर्स में आ जाएगी, ना कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएगी। तो आई थिंक जो बच्चों ने निकाला है, मनीषा ने, शेफाली ने 6,63,000, आई थिंक ये आंसर ठीक है, ठीक है ना, आई थिंक ये आंसर ठीक है। फिर भी एक बार मैं निकाल लेता हूँ कि क्या आएगा। इसीका का जवाब नहीं आया अभी, इसीका ने तो ये लिखा था नो टैक्स विल बी एप्लीकेबल, तो जो आंसर ऋषभ का था वही इसीका का है,
तो इसी का आप गलत हैं इसमें, क्योंकि अदर कैटेगरी में आने का मतलब ये नहीं कि कोई टैक्स नहीं बैठेगा। हाँ इसी का कुछ कह रही है, सर आई सेड द सेम थिंग एज ऋषभ। हाँ तो ऋषभ और इसी का एक तरफ जा रहे हैं, मनीषा और शेफाली एक तरफ जा रहे हैं। मनीषा और शेफाली का आंसर ठीक है और इसी का और ऋषभ का आंसर गलत है। नॉन रेजिडेंट होने की वजह से फर्क केवल इतना आएगा कि आप अदर कैटेगरी में आएंगे, और अदर कैटेगरी में आएंगे तो आपकी जो एग्जम्पशन 3 लाख रुपए थी वो घटा के एग्जम्पशन को 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। थोड़ा सा आप लॉजिक भी लगाइए कि नॉन रेजिडेंट होने के चक्कर में हम उसे छोड़ थोड़ी देंगे। ऐसा थोड़ी है कि उसकी इनकम पर टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी इनकम पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स बैठेगा। आप ये समझिए लॉजिक को। तो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल को फायदा था 60 साल से ऊपर का, कि 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था, और अगर उसकी एज 80 साल से ऊपर होती तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था, तो उसे घटा के 2.5 लाख रुपए तक का ही सीमित किया गया है। मैं करा देता हूं, चलिए आपको मैं करा देता हूं आपको जल्दी से। केस बी देखिएगा, केस बी, केस बी, केस बी में क्या है, आप वो तो लिख ही लेंगे। इफ सोफिया इज नॉन रेजिडेंट तो फर्स्ट 2,50,000, फर्स्ट 2,50,000 इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बैठेगा। फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बैठेगा। जो नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए हैं, यानी कि नेक्स्ट 2,50,000 हैं, ये कहाँ से आए? नेक्स्ट 2,50,000, 2,50,000 1 से लेकर 5 लाख तक, तो जो ब्रैकेट बीच का गैप है वो कितना है आपका? 2.5 लाख रुपए का है। इसके ऊपर 5% टैक्स बैठेगा, तो इट अमाउंट टू 12,500। जो नेक्स्ट 5 लाख हैं, जो नेक्स्ट 5 लाख हैं, इसके ऊपर बैठेगा 20%, तो इट अमाउंट टू 1 लाख। और जो बैलेंस है, बैलेंस कितना बैठा? 10 लाख तो यहाँ तक खत्म हो गए, 17,50,000 बैठा। ये 17,50,000 कह रहे बैठा, आप जानते हैं ये कितना आएगा 30% अगर हम बात करें, तो पहले भी निकाला था हमने 5,25,000, तो 5,25,000 ये आ गया। जो इनका टोटल है वो कितना आएगा? 6,37,000, 6,37,500। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। 6,37,500 एड इसमें होगा 4% HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो जल्दी से बताइए इसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आता है? इसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आता है? तो 25,500, 25,500। तो अब ये कितना बैठेगा? 6,60,000। तो टोटल टैक्स पेबल आएगा, टोटल टैक्स पेबल, टोटल टैक्स पेबल आएगा 6,63,000, 6,63,000 टोटल टैक्स पेबल आएगा। कोई डाउट हो तो बता दीजिए यहां तक, किसी भी तरीके से कोई डाउट हो बता दीजिए यहां तक। 6,63,000 शेफाली को भी क्लियर है, ऋषभ को भी क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। 6,63,000 क्लियर। तो आई थिंक अब आपको ये जो रेट हैं वेरी सीनियर सिटीजन के, सीनियर सिटीजन के और अदर कैटेगरी के, कुछ अगर डाउट भी था तो वो आज क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ। चाहे हमें एक दो क्लास फालतू लग जाए इसमें, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स में कोई चक्कर नहीं, लेकिन अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। अगर हमारा बेस सही हो गया तो हमें आगे कोई परेशानी होने की परेशानी नहीं होगी। एक कल मैंने रिबेट और समझाई थी, रिबेट को तो चलिए क्योंकि एक दो बच्चे नए हैं आज तो अभी उसे रहने देता हूं। एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको, एक नया कॉन्सेप्ट है सरचार्ज का, नोटबुक निकाल लीजिएगा। एक नया कॉन्सेप्ट है सरचार्ज का, सरचार्ज ऑन नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम,
सरचार्ज ऑन नॉर्मल इनकम। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर भी टैक्स, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है हमारा, वो भी टैक्स के ऊपर टैक्स निकलता है। सरचार्ज उससे भी पहले आता है, यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से भी पहले आएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हमेशा ही कैलकुलेट होगा, जो भी आपका टैक्स आएगा उसमें 4% हमेशा ही जोड़ना पड़ेगा। लेकिन सरचार्ज के लिए कुछ लिमिट्स हैं कि कितने इनकम तक कोई सरचार्ज नहीं है, अगर इनकम इससे ज़्यादा बढ़ती है तो कितने परसेंट सरचार्ज है, अगर इनकम और ज़्यादा ऊपर जाती है तो सरचार्ज का जो रेट है वो बढ़ता चला जाता है। क्लियर है चीज? तो ये नॉर्मल इनकम क्या लिखवाई है मैंने, ये धीरे धीरे करके हमें पता लग जाएगा। थोड़ा बहुत मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कुछ इनकम जो होती हैं वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती हैं, तो उन इनकम पर सरचार्ज का रेट अलग है। लेकिन ज्यादातर इनकम पर जो रेट है, ये इनकम को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, नॉर्मल इनकम है, स्पेशल रेट वाली इनकम है, वो धीरे धीरे करके हमें समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए, ज्यादातर इनकम जो आती है वो नॉर्मल इनकम की कैटेगरी में आती है। तो मैं सरचार्ज जो लिखवा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ, वो नॉर्मल इनकम के ऊपर सरचार्ज का क्या रेट है वो लिखवा रहा हूँ। क्लियर है? तो अप टू 50 लाख, अप टू 50 लाख इनकम पर अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो नो सरचार्ज इज एप्लीकेबल, नो सरचार्ज। इसी वजह से जितने भी मैंने अभी टोटल इनकम ली थी, आज भी जो टोटल इनकम ली थी वो 27,50,000 तक ली थी, कि जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको समझा रखा है उतना क्लियर हो जाए आपको। तो क्योंकि 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आते ही सरचार्ज का कॉन्सेप्ट आ जाता, तो अप टू 50 लाख नो सरचार्ज इज एप्लीकेबल, नो सरचार्ज इज एप्लीकेबल। जरा मैंने आपको बता रखा है, नोट्स में भी ये सब चीजें हैं, लेकिन मैं आपको साथ के साथ अपने नोट भी बनवा रहा हूं जिससे याद हो जाए। नोट्स में भी आपको दिखला देता हूं कि सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ ईओपी बीयूआई आपको दिख रहा होगा। ये पूरी की पूरी टेबल है, इसमें नॉर्मल इनकम भी है और एबनॉर्मल इनकम भी है। फिलहाल मैं नॉर्मल इनकम की बात कर रहा हूं यहां पर। आज मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा और सेंटर से आप लोग इसकी प्रिंट आउट कॉपी भी मेरे से ले सकते हैं, और पीडीएफ में भेज दूंगा, तो उस पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल इनकम की, अप टू 50 लाख नो सरचार्ज इज एप्लीकेबल। अगर इनकम है मोर देन 50 लाख, मोर देन 50 लाख बट मोर देन 50 लाख है बट अप टू 1 करोड़ अगर है तो सरचार्ज 10% सरचार्ज लगेगा, 10% सरचार्ज लगेगा। अगर इनकम है हमारी, ये पहली कैटेगरी हो गई, ये दूसरी कैटेगरी हो गई, तीसरी कैटेगरी, अगर इनकम है मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ अगर ये इनकम है तो 15% सरचार्ज लगेगा। अगर मोर देन 2 करोड़ है बट अप टू मोर देन 2 करोड़ है बट अप टू 5 करोड़ है तो सरचार्ज का जो रेट है 25% लगेगा। और अगर इनकम मोर देन 5 करोड़ है तो सरचार्ज का जो रेट है वो 37% लगेगा, यानी कि जो भी टैक्स बैठेगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अभी एक दो क्वेश्चन इसके करके देखते हैं हम लोग, ये कॉपी कर लीजिए पहले आप लोग, ये कॉपी कर लीजिए पहले सभी।
आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखिएगा, टोटल इनकम टोटल इनकम ऑफ एन एस एस सी 63 लाख, 63 लाख। कैलकुलेट कैलकुलेट टैक्स पेबल, कैलकुलेट टैक्स पेबल। अब आप ये सोच रहे होंगे, सर आपने ना तो एज लिखवाई है, ना ही ये लिखवाया कि रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है। तो मैंने कल की क्लास में ही बतलाया था आपको, दोबारे से बतला देता हूँ कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा अदर्स की कैटेगरी में मानना है और हमेशा रेजिडेंट मानना है। अदर्स में क्या होगा कि 60 साल से कम का व्यक्ति है तो, और 2.5 लाख रुपए तक की एकदम से मिलेगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है। और आप प्लीज इसमें नोट डाल के आ सकते हैं। तो सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 फर्स्ट 2,50,000 जो टैक्स रेट है वो है नील। जो नेक्स्ट 2,50,000 है उसके ऊपर जो टैक्स रेट है हमारा है 5%, तो 12,500। जो नेक्स्ट 5 लाख है, ये सबके समझ में आता होगा बात कि नेक्स्ट 5 लाख कहाँ से आया। 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक, एक जीरो ज़्यादा लग गई में से। तो नेक्स्ट 5 लाख जो है इसके ऊपर टैक्स रेट है 20%, यानी कि 1 लाख रुपीज। और जो बैलेंस है, बैलेंस कितना बैठा, 63 लाख टोटल इनकम थी, 63 लाख टोटल इनकम थी। 10 लाख तक की इनकम पर हम टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 53 लाख बैठा, इसके ऊपर है 30%। जल्दी से बताइए, 53 लाख के ऊपर 30% कितना आएगा, 53 लाख के ऊपर 30% कितना आएगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए 53 लाख के ऊपर 30% कितना आएगा। ये आया कैलकुलेट होके 15,90,000। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर गलत कैलकुलेशन करी तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट क्लास से अपना भी कैलकुलेटर मैं ला के रखूँ। तो 15,90,000, ठीक है। एक स्टूडेंट और मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए कि इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। मनीषा का तो जवाब आ गया है कि 15,90,000 आ रहा है। तो कोई एक बच्चा और मुझे कंफर्म कर दीजिए कि इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कंफर्म हो गया इतना ही आ रहा है। अब इसका टोटल लगाइए जल्दी से, इसका टोटल लगाइए कितना आ रहा है, इसका टोटल लगाइए कितना आ रहा है। यह आ रहा है 17,2,500। अब क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, जैसा कि आपको दिख रही है 63 लाख है, तो अभी मैंने जो सरचार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, कल तक नहीं पढ़ाया था, और कल तक हमने जो भी एग्जाम पे लिए थे वो लिए भी हमने 50 लाख से कम के थे, क्योंकि 50 लाख तक की इनकम पे कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जैसे ही आपको पता लगा कि 50 लाख से ऊपर की इनकम पे सरचार्ज है, तो यहाँ पर एड 10% सरचार्ज के नाम से जोड़ना है। सरचार्ज इसका 10%, यानी कि 17,2,500 का 10% आप जोड़ेंगे,
तो 1,70,250 ये सरचार्ज के नाम से आ गया। अब इसे टोटल लगाइए कितना आता है, 17,25,00 में अगर 1,70,250 ऐड करेंगे तो कितना ये आता है, कितना ये आता है निकल के, जल्दी से बताइए कितना ये निकल के आएगा। 18,72,750 ये आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 4% HEC, ये तो जरूर ऐड होगा, कुछ हो या ना हो ये तो सबसे लास्ट में जरूर ऐड होगा। तो जो भी ये अमाउंट निकल के आई है इसका 4% ऐड कर दीजिए, ये आया 74,910। मैं जानबूझ के कलर चेंज कर दिया है, 74,910। तो ये टोटल टैक्स पेबल कितना आ गया, इसका टोटल टोटल टैक्स पेबल ये इसे ऐड करने के बाद ये कितना आया है, 19,47,660 ये आ गया है हमारा टोटल टैक्स पेबल, टोटल टैक्स पेबल ये आ गया है। ये था 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम, लेकिन बिलो 1 करोड़, अप टू 1 करोड़, एग्जैक्टली 1 करोड़ के ऊपर भी 10% सरचार्ज ही एप्लीकेबल है। अगर इनकम 1 करोड़ रुपए से ऊपर जाती है लेकिन 2 करोड़ तक की रहती है तो 15% का सरचार्ज रेट एप्लीकेबल है। अगर इनकम 2 करोड़ रुपए से ऊपर लेकिन 5 करोड़ रुपए तक की रहती है तो सरचार्ज एप्लीकेबल है 25% का। और अगर इनकम 5 करोड़ रुपए से भी ऊपर जाती है तो सरचार्ज एप्लीकेबल है 37% का। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि सरचार्ज हमें किस स्टेज के ऊपर जोड़ना है, केवल रेट बदल जाया करते हैं। हमें एक क्वेश्चन से, एक एग्जाम्पल से ये सीखना था कि किस स्टेज पर हमें सरचार्ज ऐड करना है और HEC कहाँ ऐड करना है, तो वो मैंने इससे बता दिया है। बस रेट बदल जाएंगे, जैसे जैसे इनकम ग्रो होगी, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, अकॉर्डिंगली सरचार्ज का परसेंटेज और अमाउंट बदल जाएगा। तो ये क्लियर है या नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेंगे हम अभी, एक दूसरा रेट का लेके एक क्वेश्चन और निपटाते हैं। फिलहाल ये बताइए कि ये क्लियर है या नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी ने कॉपी कर लिया ये। जैसे जैसे आप कॉपी कर लें वैसे वैसे मुझे बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी का जवाब आ गया, ऋषभ भी बता दीजिए, ऋषभ यस, सभी का जवाब आ गया है, कॉपी हो गया है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम जो है 2,15,00,000 है, 2,15,00,000 है। कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 ये आपको निकालना है। सॉल्यूशन, जो भी निकालना है वही हेडिंग आ जाती है। तो कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22
टू, फर्स्ट 250,000 जब तक कुछ नहीं कहा गया तो हमेशा अदर कैटेगरी के हिसाब से ही टैक्स निकालना है, कोई टैक्स नहीं निकलेगा। नेक्स्ट 250,000 पर, नेक्स्ट 250,000 पर जो टैक्स निकलेगा वो 5% से निकलेगा, 12,500। जो नेक्स्ट 5 लाख हैं, जो नेक्स्ट 5 लाख है उस पर जो टैक्स रेट निकलेगा वो 20% से निकलेगा, 1 लाख रुपये। और जो बैलेंस है, अब बैलेंस देखिए कितना आता है, 2 करोड़ 15 लाख, 2 करोड़ 15 लाख माइनस 10 लाख, ये आता है 2 करोड़ 5 लाख, इस पे ऊपर निकलेगा 30%। जल्दी से बताइए, 2 करोड़ 5 लाख रुपए के ऊपर 30% कितना निकल के आता है? 2 करोड़ 5 लाख के ऊपर, 2 करोड़ रुपए के ऊपर 30% निकल के आएगा 60 लाख, और 5 लाख के ऊपर 30% निकल के आएगा 1,50,000। तो आई थिंक 61,50,000 आएगा, कितना ही आएगा, 61,50,000 इतना ही आएगा, 61,50,000। तो 61,50,000 तो एक आ गया, प्लस 1,62,50,000, और 62,50,000, 62,62,500, ये टोटल आएगा इसका, जोड़ के देख लीजिएगा एड। अब कितने परसेंट सरचार्ज आएगा, 2 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम है, जल्दी से बताइए कितने परसेंट सरचार्ज आएगा? 2 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम है, वेरी गुड, 25%, 25%। तो 62,62,500 का 25% ऐड कीजिए, 62,62,500 का 25% ऐड कीजिए, 62,62,500 का 25% ऐड कीजिए, ये आएगा कितना आएगा, 15,15,65,000, 65,625, ये ऐड करके बताइए कितना आएगा, ये ऐड करके बताइए कितना आएगा, इसको ऐड करके बताइए कितना आएगा, ये आएगा 78 लाख, 78,28,000, 28,125। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा 4% HEC, 4% HEC, बताइए कितना आएगा, ये कलर चेंज कर देता हूँ, 4% HEC ये आएगा 3,13,000, 3,13,125। और टोटल टैक्स कितना निकल के आया है, टोटल टैक्स पेबल, टोटल टैक्स पेबल कितना निकल के आया है, 81 लाख, 81,41,000, 81,41,250, 81,41,250, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी बच्चों को? सरचार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी बच्चों को? सभी को क्लियर हो गया है। तो आज हम लोगों ने सरचार्ज का कॉन्सेप्ट निपटा लिया है, एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। 50 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर, लेकिन 1 करोड़ रुपए तक की इनकम पर 10% का सरचार्ज एप्लीकेबल है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम पर, लेकिन 2 करोड़ रुपए तक की इनकम पर 15% का सरचार्ज एप्लीकेबल है, 2 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम पर लेकिन 5 करोड़ रुपए तक की इनकम पर जो सरचार्ज है वो एप्लीकेबल है 25% का, और अगर इनकम 25 5 करोड़ रुपए से ऊपर जाती है तो वो सरचार्ज एप्लीकेबल है हमारा 37% का। तो रेट बदल जाएंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ये अदर इनकम के नाम से जो जो आप सामने नोट्स देख रहे हैं ये नॉर्मल इनकम के ऊपर हैं,
इसके ऊपर भी कुछ इनकम हो रहे हैं। इनके सरचार्ज के रेट अलग हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे जैसे उन इनकम का जिक्र आएगा तो हम देख लेंगे कि किस तरह से उनके ऊपर टैक्स निकलता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ नॉर्मल इनकम की। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, एक कॉन्सेप्ट हो गया है आपका, बाकी चर्चा हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।